इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कहते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान के माथे पर एक मोर पंख सजाया है। श्री रामावतार में भगवान के सिर पर मोर पंख केवल इसी पुष्प वाटिका में दर्शाई पड़ा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ गुच्छ कुसुम कली के। ये कुसुम कली कहां से आ गई? पुष्पों ने विचार किया कि हमको उतार कर पुजारी जी माली जी ले जाते, भगवान का श्रृंगार करते, आज तो मेरे प्रभु स्वयं आ गए। सारे पुष्पों ने राम जी का स्वयं श्रृंगार कर दिया, इसलिए गुच्छ गुच्छ बिच कुसुम कली के। मोर को कभी संसार की वासना व्याप्त नहीं करती। सो लक्ष्मण जी महाराज ने सरकार को बिना कहे मोर पंख लगाकर अपना उत्तर भेंट कर दिया। मां ने एक चिंतन करती हैं, प्रभु मां के स्वरूप का चिंतन करते हैं, कितने दिनों बाद दर्शन हुआ श्री जी के। साकेत से भगवान जब धरा धाम पर पधारे तब से प्रथम बार मां को भगवान का दर्शन और भगवान को मां का दर्शन हुआ। प्रेम पास रहने से बढ़ जाएगा और दूर रहने से घट जाएगा, ये इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं। कई बार दूर रहने से प्रेम को दृढ़ता प्राप्त हो जाती है, कई बार पास रहने वालों से प्रेम दूर कर देता है। नाना विधि चिंतन चल रहा है, भगवान दल उतारते जा रहे हैं। दल बोले तो तुलसी दल, नाना विधि पुष्प उतारते जा रहे हैं। मां के मधुर छवि का चित्त में स्मरण करते जा रहे हैं। एक सखी ने कहा, सखी पूजा आधी छोड़ के आए हैं, अस तो उनका ठीक से दर्शन कर लो, विलंब होगा, सांझ को तो ठीक से दर्शन होगा ही, नहीं होगा तो अगले दिन होगा स्वयंवर स्थल पर। एक सखी का प्रश्न खड़ा हुआ, ये बता पसीना छूट रहा है फूल उतारते तो क्या ये शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे? दूसरी ने कहा, सखी जिस भगवान ब्रह्मा ने हमारी किशोरी जी को बनाया है, गढ़ा है, उसी भगवान ब्रह्मा ने इस सांवले वाले को भी गढ़ा है। अरे जरा सोच, सदानंद जी की मैया अहल्या जी का इन्होंने उद्धार कर दिया केवल रज छुआ कर। यज्ञ रक्षा करने में स्वभाव हमारी कितना उत्पात करने आए थे, इन्होंने उनको पल भर में मार दिया। मैंने तो सुना है विश्वामित्र जी महाराज को बताए हैं कि ये कहीं बाण में ताड़का को मार दिया। सखी देखने में लगते हैं बालक, हैं बड़े वीर। भगवान वस्तुतः रघुवीर तो हैं ही, भगवान महावीर भी हैं, बहुत वीर हैं। वीर स्थिर रहता है, वीर में हलचल नहीं रहती। सखियां आपस में चर्चा करी रही हैं कि मंदिर में जाने हैं, तो एक सखी ने जब सुझाव दिया
तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को माने नेत्रों के माध्यम से हृदयस्थ कर लिया। भगवान के श्री मंदिर में जाइए, आंख में भगवान के अर्चा विग्रह को पधराइए और उसे हृदयस्थ कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। आंख भगवान की अद्भुत भेंट है मित्रों माताओं। आंख का उपयोग ही इतना है कि हम भगवान की कृति, भगवान के भागवतों को नेत्रों में लेकर हृदय में पधराएं, यही श्रेष्ठ वैष्णवता है। प्रभु ने मां को जाते जाना, प्रेम की स्याही से अपने हृदय पर मां के दिव्य स्वरूप को उकेर लिया। इधर भी आनंद है, इधर भी आनंद है। मां भवानी की कृपा से सीता मैया को प्रभु का दर्शन हुआ है। पूजा तो हो गई, बस वंदना प्रकरण बचा है और पुष्पांजलि बची। तो जानकी अम्बा मां भवानी जी के मंदिर में आकर के उनकी जय जयकार करने लगी। बोलिए पार्वती मैया की, कार्तिकेय स्वामी के मैया की, गणपति भगवान के मैया की, शिववामांग निवासिनी मैया। जय जयकार करती हूँ मैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, सहस्र सारे गा
अधिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है माँ। आपकी महिमा को सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण और सरस्वती जी भी नहीं गा सकते। क्यों? वैशिष्ट है सेवत तो ही सुलभ समचारे। प्रवाह में है माँ भगवती पार्वती जी की विरुदावली गाने लगी। माँ यह आपके दर्शन का पूजन का फल है। आप वरदायिनी हैं, शिव प्रिया हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपकी सेवा से चारों सुलभ हो जाता है। सब कुछ आपकी सेवा से ही प्राप्त होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।